राजस्थान विधानसभा चुनाव से आ रहा इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के अंतिम दिन श्रीकरणपुर में छाए चुनावी माहौल। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने किया नामांकन दाखिल, साथ ही उपखंड कार्यालय पहुंचकर सुभाष चौधरी को सौंपा अपना नामांकन। नामांकन दाखिल करने से पूर्व पुरानी धान मंडी पीड़ संख्या 3 में किया जनसभा का आयोजन। जनसभा में हजारों लोगों और कार्यकर्ताओं का उमड़ा हाजुम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री ठाकुर ने व अन्य वक्ताओं ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को किया व्याख्यान। आए वक्ताओं ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को गांव व शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में समर्थक उनकी सभा में सरकत करने पहुंचे। देखिए विशेष कवरेज। आदर करती है हमारी, तो अपील यही है कि पार्टी जो है सातवें बार विश्वास किया है। मैंने पिछले लगभग 30 साल से पार्टी की ईमानदारी से सेवा की है। अगर मेरे में कमी होती पार्टी टिकट बार बार थोड़ा देती। पहले मेरा काम आप लोगों ने देखा है, 2500 करोड़ के विकास का मैंने लिखित में सबको दिया था और आगे भी मैं कमिटमेंट करता हूँ विकास के लिए, कोई पैसे की कमी नहीं आने। टीटी साहब, मंच पर जो भाजपा के दावेदार थे टिकट के, वो कोई भी दावेदार आपके साथ मंच पर नहीं दिखा? सर देखो, जब टिकट लेने कोई दिल्ली घूम रहा है, कोई जयपुर घूम रहा है, धीरे धीरे आपको मंच पे नहीं, सारे मेरे साथ वोट मांगते नजर आएंगे। धन्यवाद।